मालिक काफूर के पांड्या राज्य की चढ़ाई के एक वर्ष बाद दक्खन में घटनाक्रम ने सुल्तान का पुनः ध्यान खींचा। रामदेव की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पुत्र सिंघना विद्रोह में खड़ा हो गया था। सिंघना के नेतृत्व में 2 साल के भीषण संघर्ष से मुस्लिम सेनापतियों को उत्तर की ओर खदेड़ दिया गया था। अलाउद्दीन ने सिंघना के विद्रोह को दमन करने और उसके राज्य को विजय करने के लिए मालिक काफूर को देवगिरी भेजा। दिल्ली की सेनाओं को लेकर मालिक काफूर घाट सगुना पर पहुंचा और वहां के क्षेत्र को लूटने लगा। उन्होंने देवगिरी में सिंघना के छोटे परंतु सशक्त बल को पराजित किया और देवगिरी को अधिकार में ले लिया। उसका लक्ष्य मराठा में मुस्लिम शासन स्थापित करना था और देवगिरी दक्खन का प्रमुख मुस्लिम केंद्र बना। परंतु इस सब के पश्चात भी पूरे यादव देश ने मालिक काफूर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सिन्हागढ़ के क्षेत्र में कोली अपने नेता नागनायक के नेतृत्व में अभी भी अपने स्वाधीनता लिए डटे हुए थे। दक्षिण देशों के सरदार दिल्ली का आधिपत्य अभी भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। इसी समय पूर्वी देशों के गोंड वंश स्वाधीन हो गए। मालीदेव रामदेव की बहन का पुत्र राय दुर्ग की जागीर का शासक था। मालीदेव ने स्वयं को मराठा का स्वतंत्र राजा घोषित किया और अपनी शक्ति को केंद्रित करना शुरू कर दिया। परंतु कुछ हिंदू सामंती उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए। कामपिली के मुम्माडी सिंगेया नायका और गुट्टी के जगतप्पा गंगेया देवा ने मालीदेव को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। उसकी मृत्यु के साथ ही एक संगठित हिंदू विद्रोह की आशा भी समाप्त हो गई। मालिक काफूर ने कामपिली पर भी चढ़ाई की पर वो सफल नहीं हुआ। इसके थोड़े समय बाद ही उस तक सुल्तान के गिरते स्वास्थ्य की सूचना पहुंची और उसने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। देवगिरी के प्रभार के लिए ऐनुल मुल्क को नियुक्त किया गया। एक वर्ष बाद सुल्तान अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई। मालिक काफूर के प्रतिनिधित्व में अलाउद्दीन के नाबालिग पुत्र शियाबुद्दीन उमर का पधारण हुआ। खिजिर खान और शादी खान को अंधा कर दिया गया और मुबारक शाह को कारागार में डाल दिया गया। गुजरात में अल्फ खान के समर्थक विद्रोह में उठ खड़े हुए। अल्फ खान को सुल्तान अलाउद्दीन ने मालिक काफूर के उकसावे पर मरवा दिया था। विद्रोहियों ने उनके विरुद्ध भेजे गए कामलुद्दीन गर्ग को पराजित करके मार दिया। अतः मालिक काफूर ने ऐनुल मुल्क को देवगिरी से गुजरात पर कूच करने का आदेश दिया। ऐनुल मुल्क मार्ग में चित्तौर तक पहुंचा। जब उसे सूचना मिली कि मालिक काफूर की हत्या हो चुकी है और मुबारक शाह ने सत्ता पर अधिकार कर लिया है, ऐनुल मुल्क के प्रस्थान से देवगिरी में कोई शासक नहीं था। जिस अवसर का लाभ लेकर राणा हरपाल देव ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और मराठा पर आधिपत्य की घोषणा कर दी। हरपाल देव रामदेव का दामाद था। सिंघना के पुत्र गोविंद देव राया को गद्दी पर बिठाकर हरपाल देव ने राज्य के संरक्षक की भूमिका ली, जिसमें रामदेव के पूर्व मंत्री राघवा ने उसके साथ दिया। मराठा की अब संयुक्त हुई सेनाओं ने दक्षिण के हर कोने पर वार किया और मुस्लिम सेनापतियों को पुनः उत्तर की ओर खदेड़ दिया। 5 वर्षों से कम समय में ही उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के सारे महाराष्ट्र के विस्तार को समाप्त कर दिया। अब तक जो भी धन दक्षिण में लूटा गया था वो अब देवगिरी में ही था, जब हरपाल देव ने उस पर अधिकार किया था। अतः वह सारा धन पुनः मराठों के हाथों में आ गया था। दिल्ली में नया सुल्तान मुबारक खिलजी अभी तक इस विद्रोह के बारे में अनिर्णय में था। अब उसे बोध हुआ कि देवगिरी का समृद्ध प्रांत उसके लिए सबसे प्रमुख महत्व का था और उसने अपनी मिलिच्य सेना को कूच करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। मराठा ने देवगिरी में अपनी सेना स्थापित की और तूफान से पहले की शांति में प्रतीक्षा करने लगे। अपने शासन के दूसरे वर्ष में सुल्तान मुबारक खिलजी अपने सिपाहियों के साथ देवगिरी की ओर बढ़ा। 2 महीने की यात्रा के बाद वह घाट सगुना पहुंचा। उसकी सेनाएं पूरे दक्खन में फैलकर
सामान्य जन संपत्ति का विनाश करने लगी। पूरे दक्षिणावत की रक्षा का भार केवल 10,000 मारट्ट पर था और उनके विरुद्ध कम से कम 10,00,000 मलेच्छ सैनिक तैयार थे। सुल्तान मुबारक खिलजी ने राणा हरपाल देवा और उनके सैनिकों को खोजने और पकड़ने के लिए खुसरो खान और मालिक कुद्दू को भेजा। राघव देव अपनी सेना को लेकर एक पहाड़ी पर बने दुर्ग की ओर बढ़े। खुसरो खान की सेना की घुड़सवार दक्षिण के पहाड़ी श्रृंखलाओं में घूम रहे थे। संयोग से उन घुड़सवारों को राघव देव की सेना के भोजन राशन जुटाने वाले कुछ सैनिक मिल गए और बंधक बना लिया गया। उसने पूछताछ पर उन्हें पता लग गया कि हिंदू सेना में बस 10,000 सैनिक थे। और तो और उन्हें यह भी पता लग गया कि राघव देव की सैनिक अभी भी पहाड़ी दुर्ग के अंदर तैनात नहीं थे, वे अभी दुर्ग के बाहर खुले मैदान में ही छावनी डाले हुए थे। खुसरो खान को अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हुआ और उसने अपनी पूरी सेना को मैदान में कूच करने का आदेश दे दिया। रघुजी ने अपने आप को बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में पाया। उनके पास सेना को दुर्ग में भेजने का भी समय नहीं बचा। मराठा सेना ने आने वाले युद्ध के लिए तैयार हुई और मैदान में तैनात हुई। दिल्ली के घुड़सवार के मूलासाधार हमले ने संख्या में छोटी मराठा सेना को तहस नहस कर दिया। उनका हर एक सैनिक मारा गया या मूर्छित हो गया। राघव देव भी लड़ाई में बुरी तरह घायल हो चुके थे। उन्होंने अपने और अपने शरीर के शत्रु के हाथों में न आने का निश्चय किया और पास के ही एक खाई में अपने को खींचकर गिरा दिया और धर्म के योद्धा की गति में प्राणों को त्याग दिया। हरपाल देवा तक उनकी सेना के प्रमुख भाग के विनाश की सूचना एक युद्ध से बच निकले सैनिक से मिली। देवगिरी का दुर्ग विशाल था और उनकी छोटी सेना दुर्ग के पूरे विस्तार में तैनात नहीं हो सकती थी। उन्होंने खुले में कूच करने का निर्णय किया। ये सूचना पाकर खुसरो खान बहुत प्रसन्न हुआ कि उसे एक ही नहीं दो मराठा सेनाएं खुले में मिल गई थी और वो उन दोनों का विनाश कर सकता था। खुसरो खान और मालिक इख्तियारुद्दीन तलभगा उस अंतिम महासंग्राम के लिए मराठा सेना का पीछा करते हुए पहुंचे। खान की सेना जब हरपाल देव तक पहुंची तो वे युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। अपनी छोटी सेना को रक्षात्मक मुद्रा के रखने की जगह उनकी पूरी सेना ने खिलजी सेना पर एक मुष्ट आक्रमण कर दिया। मराठा सेना के प्रथम ज्वार के भीषण रक्तपात से पूरे खिलजी सेना पीछे हट पड़ी, परंतु विजय की श्रृंखला कुछ ही समय की थी। खिलजी सेना दोबारा आगे बढ़ी पर दोबारा मराठा सेना के आक्रमण से पीछे को ठकेली गई। प्रतीत होता है कि राणा हरपाल देवा स्वयं ही हमले के नेतृत्व कर रहे थे। उनके तीसरे चरण में खिलजी सेना बीच में से पीछे हटी पर दाहिने और बाएं और अंदर को मुड़ गई, जिसे कि मराठा टुकड़ियों को उन्होंने घेर लिया। राणा हरपाल देवा बुरी तरह घायल हो गए और शत्रु के हाथों में आ गए। अंततः इस कथा का समापन आ गया। मराठा का अंतिम और गौरवशाली विद्रोह परास्त किया जा चुका था। हरपाल देवा को जीवित रहते ही उनका चर्म निकाल कर याटने दी गई। उनके कटे शीश को भाले पर लगाकर देवगिरी के द्वार पर लगा दिया गया। सुल्तान कुछ और महीनों तक देवगिरी में रहा और गुलबर्गा सागर और द्वारा समुद्र में अपने टुकड़ियां तैनात की। पांड्या देश में अंतर्युद्ध अभी भी चल रहा था और वीरबल्लला वही की ओर था। दिल्ली की सेना ने उसकी ओर बढ़ने की सूचना जब उसे प्राप्त हुई तो वो अपनी सेना को लेकर बढ़ा। उससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, पिछला राज्य का एक सेनापति कटरी सलुआ रसिया नायका खिलजी सेना से युद्धभूमि में मिला। उसने खिलजी सेना को भारी पराजय दी, लौटने पर विवश कर दिया। अंततः सुल्तान ने खुसरो खान को प्रताप रुद्र से अधिपत्य राशि लेने को भेजा, जो वो अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद से नहीं भेज रहा था। महाराष्ट्र में अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बाद सुल्तान वापस दिल्ली चला गया।